की उर्वर धरती सहरसा, जिसने इस मुल्क को एक से बढ़कर एक समाजवादी नेता दिए, चाहे वो भूपेंद्र नारायण मंडल जी हो, बीबी मंडल जी हो, किराज भास्कर जी हो, यही वो धरती है जिसने आचार्य कृपलानी को भी संसद भेजने का काम किया है। मैं आज सहरसा की समाजवादी धरती पर देश को बचाने की मुहिम में लगी हुई अपनी माओ बहनों को सलाम करने के लिए आया। यह पहला मौका है जबकि पुरुषों से ज्यादा, मर्दों से ज्यादा खवातीन इस आंदोलन को लीड कर रही है, बढ़ चढ़कर आगे वही हमको रास्ता भी दिखा रहे हैं। जो घरों में महदूद थी, जिनको परिवार के रसोई तक के काम में ही सीमित करके रख दिया गया था, आज वो समझ रही है यह देश किस ओर पर खड़ा है, किन खतरों का सामना करना पड़ रहा है। 2 मिनट हमारी माओ बहनों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, मैं आपसे कह रहा था कि जो बातें किताबों में लिखी गई थी, जो बातें देश की सबसे बड़ी पंचायत में विमर्श का हिस्सा थी, बहस का हिस्सा थी, आज उन बातों को घरों से निकलकर सड़कों तक, चौराहों तक सही मायने में अगर जीने का काम किन्हीं ने किया है तो वो आप सबने किया है। किताबों से निकालकर असल जिंदगी में उसको उतारने का आपने काम किया है। सही मायने में इस देश की रक्षा में आप पहली पंक्ति की लड़ाका हैं और इस सरकार को भी इस बात का इल्म हो गया है कि हम डिक्टेटरशिप नहीं चला सकते, जो मन में आया वो नहीं कर सकते और देश की जो बुनियाद है वह एकता पर टिकी हुई है, भाईचारा पर, कौमी मिल्लत पर, सामाजिक सौहार्द पर। इस कानून का विरोध हो क्यों रहा है? इस कानून का विरोध हम सब इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद भारत भारत नहीं रह जाएगा, भारत उसी तरह का देश बन जाएगा जिस तरह का देश पाकिस्तान। हम नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान बने। इस देश के मुसलमानों ने जब देश का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान नहीं गए 1947 में, तो 2020 में किसी की पहचान को मिटाने वाले ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह कौन होते हैं? यही आज देश की आम आवाम जोर जोर से अपनी बातों से देश की सत्ता के गलियारों तक हुक्मरानों को पहुंचा रही है। कहीं पर लाठी चल रही है, कहीं पर गोली चल रही है। आपके बच्चे जो दिल्ली में पढ़ते हैं अलग अलग जगहों पर, अब बताइए पहले हम लोग नहीं पढ़ते थे तो मार खाते थे घर में, अब पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के चलते वो लोग पिटाई कर रहे हैं। तो यह मुल्क जहालत में नहीं रह सकता। इस मुल्क को बनाने में सबका योगदान और उस योगदान को मानना पड़ेगा। यह कानून इसलिए खतरनाक है कि इसमें बाकी सभी धर्मों के लोगों के लिए अलग तरह का ट्रीटमेंट है और एक धर्म को इस तरह से भेदभाव के साथ बढ़ता जा रहा है और उसको इस रूप में दिखाया जा रहा है कि कपड़ों से पहचान हो। अरे कपड़ों से अगर पहचान होती तो फिर उन गुंडों, नकाब पोषों को तुमने अभी तक क्यों नहीं अरेस्ट किया जो जाकर वहां पर कर खोल रहे हैं? अगर कपड़ों के आधार पर पहचान होती तो गांधी जी की शहादत के दिन देश के सबसे खूबसूरत इदारों में से एक जामिया मिलिया इस्लामिया में जो लोग गांधी जी को नमन करने जा रहे थे, राजघाट के रास्ते में बीच में पुलिस के सामने एक लफंगा गुंडा उचक्का पिस्तौल तानते हुए उस पर आक्रमण करता, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हो। इसका मतलब है कि हमारा देश एक अजीबो गरीब स्थिति में फंस गए, जहां पुलिस के लोग, सरकार के लोग, जुडिशरी के लोग, अखबार के लोग
सब इस तरह से कर्जबद्ध हो गए हैं कि हर कोई अपनी हद भूल जा रहा है। ऐसा तो इस मुल्क के तकसीम के वक्त भी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं थे, पर आज भी हम इकट्ठे रहना चाहते हैं, यह तादाद वर्ष का सबूत है। लेकिन कुछ लोगों को राजनीतिक एक रोटी फेंकनी है। जब बाबरी पर फैसला आया, राम मंदिर पर, तब इस देश के चाहे वो मुसलमान हो या समझदार हिंदू हो, किसी ने सब नहीं खोया। सबको यही लगा कि चलो जैसा भी फैसला है, हालांकि वो फैसला भी अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि अदालत कहती है कि ढांचा गिराना गैर कानूनी काम, लेकिन फिर भी मंदिर बने और सरकार ट्रस्ट बनाएगी, ऐसा पहली बार हुआ है। हम तो यह कह रहे हैं कि सरकार को न तो मंदिर बनाना चाहिए, न मस्जिद बनाना चाहिए, न गिरजाघर बनाना चाहिए, न गुरुद्वारा बनाना चाहिए, न बौद्ध विहार। सरकार को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए, इस काम को करनी चाहिए। स्कूलों पर ताले लगे जा रहे हैं। डिग्री लाओ नौकरी पाओ की नीति अपनाने वाले नीतीश कुमार ने उस कानून को बनने में मदद की अपने एमपी के जरिए, और अब कह रहे हैं कि एनआरसी लागू नहीं करेंगे। लेकिन उनका वह झूठ भी पकड़ा गया। मोकामा के वीडियो ने एक चिट्ठी जारी की जिसमें कहा गया कि भाई एनपीआर करने के लिए मतलब जो आबादी है पॉपुलेशन का जो रजिस्टर खाता वही पंजी जो भी ये लोग बनाएंगे, उस काम को कराने के लिए तीन स्कूल के हेडमास्टर को चिट्ठी लिखी है, चार अपने स्कूल के शिक्षकों को भेजें। किस काम के लिए? एनपीआर के, एनआरसी के। अब बताइए, ये कहते थे कि हम तीन मामले में समझौता नहीं करेंगे बीजेपी से। कौन कौन तीन मामले? कश्मीर में आर्टिकल 370, दूसरा ये बाबरी मस्जिद, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। दो तो लागू हो गए, और ये तो इतने होने के बाद भी, उस अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, इस देश के साथ रहने के जो हिमायती लोग थे, जो नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, तीन तीन पूर्व मुख्यमंत्री को इस सरकार ने जेल में बंद रखा। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को, मोहम्मद सईद की जो बेटियां हैं महबूबा मुफ्ती, उनकी शक्ल आप देख लें, आधी बढ़ी हुई, इतने दिनों से उनको प्रताड़ित करके, मतलब जो लोग हिन्दुस्तान के साथ पूरी वफादारी के साथ थे, जिनको वहां के लोग भी गाली देते हैं, और तुमने यह सीना दिया है कि उनको जेल में बंद किए। इस देश के मुसलमान को आवाज दी थी मौलाना आजाद ने, है मुसलमानों तुम कहां जा रहे हो, यह वतन तुम्हारा है, यह व्यक्ति तुम्हारी है, लाल किला तुमको आवाज दे रहा है, ताजमहल तुमको बुला रहा है, वापस लौटो, रुक जाओ, और मुसलमान रुक गए। लेकिन आप कौन दर्द के नागरिक में तुम उसको बदल रहे हो? इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि लाठी देना गोली से बात बनेगी, गोली से, यह गोली को बार बार दोहराने की जरूरत है। हमारे दिन में जवान नहीं था, हमको लालू प्रसाद ने बोलना सिखाया, इसका मतलब यह नहीं कि बोलना नहीं आता, ताने का मतलब हमारी आवाज को दबा के रखते थे। एक तरफ 1977 में अगर लालू प्रसाद 29 साल की उम्र में एमपी बनते हैं छपरा से, तो 77 में ही एमएलए बनते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी। तो मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी देने का काम किसी ने किया तो लालू यादव ने। इसलिए हमको आपको आज को समझना है, यह किसी पार्टी का मामला है, यह किसी नेता का मामला है, यह देश का मामला है, और देश को बचाने की लड़ाई में चाहे जो लोग भी शामिल हैं, हम उनका साथ देंगे, हम उनके साथ उस सरकार को जिताने का काम करेंगे, तभी जाकर बचे। हम कहते हैं कि ये रजिस्टर रजिस्टर नहीं चाहिए जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद जो देश के राष्ट्रपति थे, उनके परिवार के लोगों का नाम असम में एनआरसी में नहीं है, सईदा तैमूर जो असम की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, उनके परिवार के लोगों का नाम नहीं है। जब ऐसे ऐसे लोगों का नाम नहीं है तो साधारण आदमी की बात क्या करनी है? आपने तो 20-20 लाख लोगों को उस रजिस्टर से बाहर कर दिया है, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी। आपका निशाना है कि किसी तरह से समाज में जो एकता है उसको तोड़ने का काम करें। इसके मंत्री बोल रहे हैं, आज बजट पेश हुआ और कह रहा है कि हम जो है तेजस एक्सप्रेस की संख्या बढ़ाएंगे। अरे भाई, जो रेल था, जो जन यातायात का सबसे बड़ा माध्यम था इस देश में, गरीब गुर्बे भी टिकट कटाकर पैसेंजर ट्रेन में चढ़कर मानसी में चढ़ता खगड़िया उतरता, लेकिन तुम ऐसे
ऐसी व्यवस्था बना रहे हो जिसमें इतनी महंगी हो जाएगी रेल यात्रा कि कोई कर नहीं पाएगा। आप वहां पर प्रतीक्षालय में बैठेंगे तो पैसा देंगे तब घुसने देगा, पहले तो प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाया, फिर यात्री किराया बढ़ाया, अब जाकर वहां पर गाड़ी पार्क करने के बाद तो आप बैठेंगे भी वेटिंग हॉल में तो आप पैसे दीजिए। तो प्राइवेट ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, आपके जो बच्चे पढ़ते हैं पहले प्राइमरी स्कूल में मदरसे में पढ़ के भी लोग बड़े बड़े अफसर बन सकते थे। आज तो तुमने पूरे सरकारी शिक्षा व्यवस्था का कसूर निकाल के रख दिया और इसमें जिम्मेदार नीतीश कुमार जो उतने हैं जिसमें नरेंद्र मोदी वहां केंद्र है, वो वहां से एजेंडा सेट करते हैं और ये वहां से खाद्य कॉलम हो जाता रहते हैं। आप बताइए कि आरएसएस का इतना बड़ा गढ़ सीमांचल का इलाका सबसे हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के रहने के बाद ये सब कुछ हो रहा है। उनके नेता बोलते हैं कि हमने कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा दी, हमने मदरसे खोले। अरे जिंदा आदमी की तो परवाह नहीं है, मुर्दों की हिफाजत में तुम लगे हुए हो, पहले जिंदा आदमी को तो सुरक्षित रहने दो। हमारी मां बहनों बेटियों की बहुओं की इज्जत आदमी अस्मिता बचेगी तो कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो जाएगी, उससे विरोध नहीं है हमारा। हम तो कहते हैं हमारे जो बुनियादी जरूरियात हैं, हमारे जो सवालत हैं, हमारे जो मसाइल हैं, उनको कौन हल करेगा? इसलिए ये दोहरापन है, इसको भी पहचाने जाने की जरूरत है। आज हमारा दोस्त कौन, दुश्मन कौन, अपना कौन, पराया कौन, कभी भी मजहब के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाती। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ मुसलमानों को नागरिकता साबित करनी पड़ेगी? जो हिंदू खुश हैं वो ज्यादा खुश ना हो, ये इस तरह से वोटिंग राइट मुसलमानों का छीनना चाहते हैं। असल निशाना वहां है, आप वोट भी नहीं डाल पाए। जो इनके विरोधी लोग हैं उनको उस लिस्ट से ही वोटर लिस्ट से बाहर कर दो और उसके पहले दर दर भटकता फिर नागरिकता के लिए, हाँ भाई मान लो हम इसी देश के हैं, ये साबित करने की जरूरत है? जिनके पास कोई जमीन नहीं है, दो डिसमिल जमीन नहीं, गैर मजबूत जमीन है, सरकारी जमीन है, किसी तरह से रैन बसेरा ना बसे हुए, उस रैन बसेरा को भी उजाड़ने का काम नीतीश कुमार की पुलिस ने किया है। और उनके इशारे पर क्या है, जो लालू प्रसाद ने रिक्शा चलाने वालों के लिए, रेड़ी चलाने वालों के लिए रैन बसेरा बन गया था, मिलाकर गरीब वर्गों की इस देश में न चले। बड़े बड़े उद्योगपति क्या करें कि सरकार किसकी बनेगी, अडानी अंबानी इन्हीं लोगों के इशारे पर ये नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनका कर्जा रहा है, उनके पैसों से, उनके हेलीकॉप्टर से जगह जगह प्रचार करके झूठ पड़े फैलाया, बोला सबका साथ, सबका विकास, सब स्वास्थ्य। ये कैसा सबका विश्वास है कि एक भी मुसलमान को तुम एमपी का टिकट नहीं दे रहे हो, 300 तुम्हारे लोग जीत रहे हैं, तुम इस देश के मुसलमानों को यह संदेश दे रहे हो कि हम तुम्हारे नहीं, तुम हमारे नहीं, हम तुमको दबा के रखेंगे। जैसे हिटलर एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया और उसने तमाम अपने मुल्क के यहूदियों को उस गैस चंबर में डाल के मरवा दिया। बार बार बोलते हैं इस देश के वजीर आजम कि कोई भी जनसन कैंप नहीं है इस देश, और वो भी झूठ निकला। इसके गृह मंत्री बोल रहे हैं कि एनआरसी एनपीआर सीएए वगैरह वगैरह संस्कार है, और मोदी बोल रहे हैं कि हमने कभी एनआरसी की बात नहीं की। तो इन कुल मिला के एक तरफ से ये झूठ बोलता है, दूसरी तरफ से वो, तीसरी तरफ से बोलता है कि हम कुत्तों की तरह मारेंगे, हमारी सरकारों ने मारा है, जो लोग एनआरसी का विरोध करेंगे। इसका एक प्रदेश का नेता बोलता है, मंत्री बोलता है, एक बोलता है कि पूर्वांचल के लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दो जैसी जगह में तो हम लोगों के उस ठिकाने लगा देंगे। दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह बोलते हैं कि जिन लोगों को ये कानून समझ में नहीं आ रहा है उनको हम समझाना जानते हैं। ये हम ही देखें, इस देश के गृहमंत्री कभी सरदार पटेल हुआ करते थे, लौह पुरुष कहे जाते हैं, अभी भी गुंडा मोबाइल को लोग आरएसएस वाला लौह पुरुष कह रहे हैं, जो देश में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अरे छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे? वसीम बरेली का खेल है कि छोटी छोटी बातें करके बड़े कहां हो जाओगे, पतली गलियों से निकलो तो खुली सड़क पे आओगे। मुकाबला करने के लिए तुम्हारे देश में यहां आराम तैयार है, तुम किसी को इस तरह से इसी देश में दर दर ठोकरे खाने के लिए मजबूर नहीं करोगे। हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा इस देश के मुसलमानों को
हम खुदने के बल रेंगने के लिए मजबूर नहीं होने देंगे। तब जाके ये विश्वास है, करार है, एक दो दिन का रिश्ता नहीं है, हमारे आपके बीच परस्पर सम्मान के रिश्ते, यकीन के रिश्ते, एतमाद और भरोसे के रिश्ते हैं, मोहब्बत के रिश्ते हैं। उस रिश्ते को कोई आके आतकारी चाहेगा कि गुजर है, ये हम होने नहीं देंगे। इसी मधेपुरा की धरती पर किराए मुखर की लंबी हुई, इसी मधेपुरा की धरती पर बीएन मंडल और डीपी मंडल जैसे नेता भी हुए, इसी मधेपुरा की धरती पर रमेश झा जैसे सोशलिस्ट नेता भी हुए। कुल मिला के हमारे डेमोक्रेसी का खाना बाना ये है कि जिसमें किसी को अछूत नहीं समझा जाए, कोई ऊंचा नीचा नहीं मिले, सबको बराबरी का हक मिले, हर कोई एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, सत्ता से सवाल पूछ सके, उसी में तो कुछ अच्छे की बात लोग करें। और हमारा मानना है कि जो हमारे नेता लालू प्रसाद जी ने आडवाणी के रथ को रोककर इस देश को आग में झुलसने से रोका था, आज फिर से उसी नेता के उस योगदान को याद करने की जरूरत है कि कोई गिरिराज सिंह जैसा मवाली किसी को धमकी देगा पाकिस्तान भेजने की तो उसकी खैर खबर हम नहीं रहने देंगे। यह देश हमारा भी है, इस देश को कोई एक आदमी नहीं बनाया है, इसलिए बोलना पड़े। हम जो वही बोल रहे हैं, देश भर के लोग बोल रहे हैं, कहते हैं मुजफ्फरवाल की कि कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुखन, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाजे सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जालिम को जो न रोके, जालिम को जो न रोके वो शामिल है जुल्म में, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। इसलिए आज 24/16 आना ईमान वाले जो लोग हैं वही हमारे हैं, बाकी ये सब लोग तरह तरह की फालतू बातें करते रहते हैं कि ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी को इस देश से निकाला नहीं जाएगा। अरे तुमने कानून बना दिया, कभी ऐसा हुआ था कि आपके घर में कोई मेहमान आए तो आप उनका मजहब पूछेंगे? भाई रिश्ता तो ये रहा है कि दिवाली में आप आते हैं, ईद में हम जाते हैं, होली में आप गले मिलने आते हैं, बकरीद में मटन खाने हम आपके यहां जाते हैं, इस रिश्ते को कौन तोड़ सकता है? ये अमित शाह, ये नरेंद्र मोदी के बूटे की बात नहीं है। इस देश को गांधी ने बनाया, इस देश को मौलाना आजाद ने बनाया, इस देश को नेहरू अम्बेडकर हजरत मोहानी शौकत अली जौहर अली ने सींचने का काम किया है। इस देश की बुनियाद इतनी कमजोर नहीं। इसलिए साथियों आपसे हम कोई ऐसी बात नहीं कहने के आए हैं जिसको आप नहीं जानते। मैं आपके बीच इसलिए आया हूं कि आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो मिल्लत है, आपकी जो एकता है, उससे मुट्ठी भर ताकत लेकर हम वापस लौटें ताकि हम भी आपकी तरह डर सकें, लोग जितना भी दहशत फैलाने की कोशिश करें हम उनका मुकाबला कर सकें। एक रूस में एक मात्र तिरोवना पद का अपना जाया एक ही बेटा पावेल, लेकिन मां ने इतने नौजवानों नवयुवतियों को प्रेरणा देने का काम किया कि रूस में हर दूसरे घर के बच्चे का नाम पावेल रखा जाने लगा। इतना हिम्मत भर रही थी, इतना जज्बा भर रही थी। आज तो हमारे बीच इतनी माएं मौजूद हैं, हिंदुस्तान को कौन बनाने की ओर से कही सकता है? यह देश अगर लालू प्रसाद का है, यह देश कयूम अंसारी को पी रहने का, इस बात को याद रखने की जरूरत है। यह देश अगर सोनिया गांधी का है, यह देश गुलाम नबी आजाद का भी है, नहीं भूलना चाहिए। यह देश अगर तेजस्वी यादव का है तो यह देश कबीर हसन का भी है। यह देश अगर मुलायम सिंह का है तो यह देश मुफ्ती मोहम्मद कईम का भी है। यह देश अगर अंग्रेज यादव का है, यह देश आजम खान का भी है, जो आंखों में आंखें डालकर मोदी से सवाल करते हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई थी जौहर अली के नाम पर, उस यूनिवर्सिटी को इस तरह के हालत में धकेल दिया है, उन पर इस तरह के घिनौने इल्जाम लगाए हैं कि ये तो मदरसे की किताबें चुरा कर अपनी यूनिवर्सिटी में भर दिया है इन्होंने, ये तो लाइब्रेरी की किताब चुरा कर उस विश्वविद्यालय में डाल दिया है। अरे अगर गरीब गुर्बों के बच्चे किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और यूनिवर्सिटी की तामीर करने वाला आदमी कहीं से भी किताब जुटा रहा, किसी भी तरह से जुटा रहा, अगर एक सवाल के काम में लगा हुआ है और उसको तुम इस तरह से कह रहे हो आजम खान चोर है, तो आजम खान जैसे हजारों के हिंदुस्तान में जरूरत है, जो देश के भविष्य के निर्माण करने में जुटा हुआ है। आप क्या कहते हैं?
हमको कुछ नहीं हिंदू मुस्लिम के ढांचे में जो गिराने की कोशिश की है, इस देश की जनता समझ चुकी है कि मामला यह नहीं है, मामला बेरोजगारी का, मामला किसानों की आत्महत्या का, मामला निधिकरण के खिलाफ, मामला आज दुनिया के अंदर हमारी टिप्पणी हो रही है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क था, धर्मनिरपेक्ष मुल्क था, वहां जो सरकार है वो रंग जात भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। आखिर दुनिया के अंदर भारत का माथा शर्त से जो लोग झुका रहे हैं वो क्या भारत माता के सपूत हैं? वो क्या राष्ट्रभक्त हैं? क्या देश की गरिमा उनकी वजह से नहीं गिरती है? आज हमको नसीहत मिल रही है संयुक्त राष्ट्र से, आज हमको नसीहत मिल रही है यूरोपीय यूनियन से कि भाई ये किस रास्ते पर भारत चल पड़ा है। इसलिए अगर कोई नसीहत दे रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार हमारे हुक्मरान भी हैं। अरे तूने खुद किए हैं, खुद तूने किए हैं घर की दीवारों में सुराख, अब अगर कोई झांक रहा है तो शिकायत करेगी। आलम यह है ये कपड़ों से पहचाने जाने की बात करते, ये ईद और दिवाली में कम बिजली की ज्यादा बिजली इसकी बात करते हैं। हम लोग कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना कराओ, वही इलाज है इस एनसीआर एनपीआर और सीए का। हमको गिनो कि हम कितने लोग, झूठ मत फैलाओ। आपने सबसे बड़ा झूठ ये बोया है हिंदू आबादी के मन में कि तुम जो है अकलियत बन जाओगे, मुसलमान अक्सरियत में चले जाएंगे, मुसलमान ज्यादा बच्चे एक परिवार के होते हैं। अगर ऐसा होता तो जनगण मन लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर इस दुनिया में आते ही नहीं, वो तो कई भाई बहन थे, लालू प्रसाद का जन्म ही नहीं होता, और बाकी दुनिया में बहुत सारे नोबेल प्राइज जीतने वाले लोग नहीं आते इस धरती पर, ब्रायन लारा जैसे क्रिकेटर नहीं पैदा होते। हम कह रहे हैं कि इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हर कोई चाहता है कि छोटा परिवार हो, लेकिन तुम जबरदस्ती नसबंदी नहीं ना कराओगे जी संजय गांधी की तरह, ऐसे देश नहीं चलता। देश चलता है सहमति के विवेक से, असहमति के साहस से, कि एक दो दिन में नहीं कोई बदलाव आता। अकबर इलाहाबादी बहुत बड़े शायर थे, ये पर्दा पर्दा के ऊपर, और उनका यह ख्याल था कि भाई हमारी माए बने भी स्कूल कॉलेज जाए, इस नियत से इस मंशा से उन्होंने लिखा कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीविया, अकबर जमीन में वैरत कौमी से गर गया, पूछा जो आपका पर्दा था क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे पर्दों के पड़ गया। तो आज उन मर्दों के अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ है, और हमारी माए बहने सड़क पर इसलिए हो रही है 80 साल की बुजुर्ग दादी मानी शाहीनबाग में, इस देश को एक इंच भी गिराया गिराया नहीं जा सके। इसमें सबका हक है, ये साझा संस्कृति है, ये साझा विरासत है, इसमें साझा कुर्बानी हुई है। इसलिए आप किसी एक मजहब के लोगों को जो टारगेट करोगे तो उसकी जद में दूसरे मजहब के लोग भी आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि जुम्मन मियां को कागज दिखाना पड़ेगा और अलगू चौधरी बच जाएगा, अरे अलगू चौधरी भी उस आक्रमण के दायरे में आ जाएगा। इसलिए अलगू चौधरियों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हिंदू भाई बहन को ज्यादा विरोध करने की जरूरत है, मुसलमान तो आपके साथ है ही। अगर मुसलमान भाई बहनों हमारे अभिभावकों गार्जियनों का साथ हमको नहीं मिला होता तो पिछड़ा को मंडल कमीशन का लाभ नहीं मिल रहा होता, आडवाणी को कमंडल लेके चल पड़े थे, आडवाणी को बदलाव जाकर निर्देश किया, और बाबरी घाने जा रहे थे उत्तर प्रदेश में तो उस कार सेवकों पर, उन्मादियों पर, उन आतंकियों पर गोली चलवाकर ने इस देश के मुसलमानों के भरोसे को फिर से जिंदा करने का काम किया। ये ऐसा देश है जिसको कोई पार्टी ये कहने की बरकरार देंगे वो चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोग जमा जमा इस देश में शाहीन बाग सज गया है, उस पर जितने भी तरह के भत्ते लांछन लगे कि पैसे के चलते शाहीन बाग में औरतें आ गई, कितना बेहूदा बयान। उस अजय सिंह बिस्ट का जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है कि मर्द जो है घर में रहते हैं, औरतें जो है इनकी घर में पर रहती हैं, अरे यही तो लड़ाई है कि मर्द और औरत एक साथ मिलकर लड़ेंगे। तुम आरएसएस वालों ने अपने ही महिलाओं को दबा के रखा है, तुम्हारी जो नेता सुषमा स्वराज थी उनके खिलाफ में खबर फैलाने की थी अरुण जेटली तरह की, आज दोनों दुनिया में नहीं है। तो तुम तो अपने ही लोगों को फंसवाते, तुम तो अपने ही गले अध्यक्ष बंगाली लक्ष्मण को घोटाले में फंसवा दिया,
रंगे हाथ कहीं पकड़वा दिए। तुम अपने ही लोगों की जासूसी करवाते हो और तुम अंग्रेज की दलाली करने वाले लोग हो। सावरकर तो तुम्हारे यही करते थे। हम लोग जो है नमक हराम हम लोग नहीं है, हलाल हराम खोर हम लोग नहीं है। दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक हलाल खोर एक हराम खोर। यहाँ जितने लोग देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं वो हलाल खोर कौन के लोग हैं। देश के साथ गद्दारी सुनने की है और देशभ्रम का नाटक तुम बन जाओगे तो देशभ्रम कोई दिखावे की चीज नहीं है, वो तो हमारे दिल में। किसी को मोहब्बत अपने भाई बहन से माँ से होता है तो उसको कोई लाउड स्पीकर लगा के नहीं ढोल पीटता है कि हमको बहुत मोहब्बत है। इसलिए इस देश में जो लोग भी सेकुलरिज्म के पक्ष में है उसकी हिमायत में है आइन के, वो सब लोग इस देश की आज हिफाजत में रहेंगे। चाहे जितना बड़ा हमला हम पर होगा हमारी ओर से हमारी जानिब से कोई डंडा नहीं उठेगा। इसलिए आखिर में हम आपसे सिर्फ इस गुजारिश को करने के लिए अपनी बातें दोहराना चाहता हूं कि इस देश में विशुद्ध पेशेवर लोगों का राज हो। आज कोई आपको पार्लियामेंट में जो दिखता है प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री वो सिर्फ और सिर्फ सीईओ का काम करें मैनेजर का काम करें या देश अडानी अंबानी पर्दे के पीछे से चला रहा है तो एक रैली को इन आवारा पूंजीपतियों अडानी अंबानी के खिलाफ इस देश में होनी चाहिए तब यह देश बचेगा। नहीं तो ये लोग व्यापारियों के हाथों में बेच देंगे। अभी पता चला है कि पार्लियामेंट जहां पर है दिल्ली में उसके अगल बगल के इलाकों के सौंदर्यीकरण का ठेका देने वाले एक ऑलरेडी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है एक दूसरी बिल्डिंग खड़ा करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो शुरू में ही बोला कि हम तो गुजरात के बनिए हैं व्यापार हमारे खून में है। अदालत जी कहते थे कि ये चुनाव तय करेगा 14 का कि देश रहेगा कि टूटेगा। ये देश नहीं बिकने दूंगा कहने वाले ने सबसे पहले इस देश के सार्वजनिक उपक्रम को भेजने का काम किया। बीएसएनएल के हजारों कर्मचारियों को जबरदस्ती जबरन रिटायरमेंट दिलवाया। रिटायरमेंट की उम्र 60 साल होती उसके पहले ही लोगों को जबरदस्ती रिटायर कराया ताकि जो बैकडोर से बहाली कर सकें और बेच सकें। जैसे एयर इंडिया को बेच दिया, भारतीय रेलवे को बेच रहा, भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, तमाम तरह के रेलवे स्टेशन को बेचते जा रहा है। एक के बाद एक लाल किला जहां झंडा फहराया जाता है आजादी के दिन 15 अगस्त को उसको भी डालमिया के नाम बेच दिया रख रखाव के नाम पर। तो ये बड़ा खेल चल रहा है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे देश को गुलाम बना दिया। आज तो बहुत तरह की कंपनियां रहती है। अगर हम चौकन्ना नहीं रहे हम जागरूक नहीं रहे हम चौकस नहीं रहे हमने अपने बाल बच्चों को पढ़ाने का काम अगर नहीं किया वही सिर्फ और सिर्फ बचा सकता है। कुरान शरीफ का पहला वाक्य क्या है इकरा पढ़ो फरमान है कि पढ़ो। अरबी भाषा में कहते हैं अरबी जबान में उतलुल इल्म पढ़ो आना बिस्सी। इल्म और तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए वही खुद को प्रोटेक्ट करके रख पाएगा। इल्म का जो दामन है उसको मजबूती से थामो। बया दामन इल्म की रुसवार तो इल्म को दसानत बदामन करा। तुम्हारी मुक्ति का तुम्हारी आजादी का तुम्हारी स्वतंत्रता का जहालत से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं। इस देश ने अंबेडकर पैदा किया, इस देश ने मौलाना आजाद पैदा किया, इस मुल्क ने हजरत मोहानी को देखा है और इन तमाम लोगों के त्याग तप के बुनियाद पर यह मुल्क खड़ा है। लेकिन क्यों कोई दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं होता, क्यों कोई दूसरा मौलाना आजाद पैदा नहीं होता? क्या हमारे बाल बच्चे भाई अहबाब दोस्त सिर्फ टायर का पंचर बनाने में अपनी जिंदगी खपा देंगे? नहीं, एक दूसरा मौलाना आजाद दूसरा शिक्षा मंत्री भी हमारे बीच से ही पैदा होगा, हमारे बीच से ही खड़ा होगा और हिंदुस्तान को बचा लेगा। इसकी कोशिश हमको करेंगे। और जब यह सवाल आप करते हैं तो आपका ध्यान भटकाने में लेकर कभी कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से अलग थलग करने की कोशिश चलती है, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। हमारा एक मित्र है वो चुनाव भी लड़ा है जेएनयू में, मसूद अरे हम लोग एक दूसरे बैठे थे। लोगों ने कहा जेएनयू पर आक्रमण कर दिया बाहर के नकाब पोषों ने, भाजपा वाले सफेद पोष बनते हैं और आरएसएस के गुंडों को बुलवा के हमला कराते हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो दिल्ली नहीं छोड़ रहे, हमारी बहने भी वहां पढ़ती है, मुद्दा साथी भी पढ़ती है, वो कहां जाए? वो तो अपने गार्जियन को बता भी नहीं पाएंगे, नहीं तो गार्जियन को डर से उनको बुला लेगा, आगे की पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी उनकी। तो सबने कहा किसी का
घर उत्तर प्रदेश, किसी का बिहार, किसी का मध्य प्रदेश, किसी का राजस्थान, किसी का पंजाब, किसी का हरियाणा, किसी का केरल, किसी का गुजरात, किसी का महाराष्ट्र, किसी का आसाम। सबने कहा कि भाई हमारे माँ बाप हमको बुला रहे हैं फिर भी हम नहीं जा। तो उस कश्मीर के हमारे दोस्त का दर्द सुनिए, आपको तो आपके अम्मी जान अब्बा जान बुला भी रहे हैं, हमारे घर से तो हमारे माँ बाप हमारे गार्जियन बुला भी नहीं सकते क्योंकि वहां की हालत तो यहां से भी खराब है। उन लोगों की स्थिति हमने बद से बदतर कर दी, हमने एक तरह से उस भरोसे को तोड़ा जिस भरोसे की बुनियाद पर कश्मीर भारत के साथ आज भी है। हम लोग कहते हैं कि यह भारत का अटूट अंग है, लेकिन क्या सिर्फ कश्मीर की जमीन या फिर कश्मीरी भी? अगर कश्मीर हमारा है तो कश्मीरी भी हमारे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को, इस जज्बात को अपने अंदर अगर कोई नहीं पैदा करता है, घृणा और भारत की राजनीति करता है, वह इस देश को सबसे बड़े तोड़ने वाले लोगों में शामिल है, वो हमको देशभक्ति का पाठ नहीं बना सकते। इस देश को बचाने के लिए बहुत त्याग की जरूरत है, लेकिन जब कभी अधिकार की बात होगी तो ये प्रधानमंत्री कर्तव्य याद चलते हैं। अरे जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, हम जिंदा कौम है, हम पर जुल्म आया जा रहा है, हमसे नागरिकता पूछा जा रहा है। एक हमारे मित्र फैज गुड़गांव में रहते हैं तो कहा कि गांधी जो है नोवा खड़ी में दंगा भड़क गया बंगाल में, किसको शांत करा है, आजादी का जश्न बाकी नेता मना रहे थे लेकिन गांधी किसी और काम में रहे थे। और उसी फैज भाई ने कहा कि आज अगर पूरे हिन्दुस्तान के अंदर हमको कोई अगर एक नेता दिखाई पड़ता है जिनके बारे में यह कहा जा सकता है कि भीड़ पागल हो चुकी है, भीड़ दंगाई बन चुकी है और उसमें हमारा कत्लेआम हो रहा है, फिर भी अगर कोई एक आदमी हमारे साथ खड़ा होकर हमको अपनी बाहों में लेकर सड़क पर उन पागल उन्मादियों के बीच डटकर हमारे साथ तो कह सकता है कि नहीं तुम्हारा देश है, अगर तुम पर कोई हमला होगा तो हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, उस एक आदमी का नाम लालू चाहते हैं। सीतामढ़ी में डीएम सोए हुए थे लेकिन उड़न पटोला लेकर उस गंगा के बीच लालू यादव पहुंच जाते हैं और लालू यादव ने तो कहा था अरे जहां भी बावेला दंगा खड़ा कराने का नाम लिया तो फिर हम सरकार रहेगी जाए, हम कोई समझौता करने वाले नहीं है, जितनी एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है उतनी ही आम इंसान की भी जान की कीमत है। जहां भी इस तरह का कोई बकेरा खड़ा करने का कोशिश किया तो जब इंसान देश हित में इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी बजाने कौन जाएगा या मस्जिद में इबादत करने कौन जाएगा, तो इंसान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हम आखिर में यह कहना चाहते हैं कि 2021 की जनगणना होगी, इस देश में कुत्तों की, बिल्लियों की, मछलियों की, तोतों की, मैनों की, गायों की, बकरियों की, भेड़ों की, सुअरों की गिनती हो जाती है लेकिन इंसान की गिनती नहीं हो रही। आजादी के पहले ब्रिटिश लोग एक बार गिने थे, उसके बाद से नहीं हुआ। एक बार जब बोरा जी ने आश्वासन भी दिया लेकिन तब तक अटल बिहारी की सरकार बन गई। अटल बिहारी को इस तरह से दंगे भड़काते थे जैसे मानो कि आप नमाज में हो और बड़ी शांति से कहीं से अजान की आवाज आ रही, वो स्वीट पॉइजन कर रहे हैं। तो बहुत इसी तरह के लोग, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। और उनमें थोड़ा लोकलाज इसलिए था कि गांधी और नेहरू के जमाने में पले बढ़े थे अटल और आडवाणी मोदी मनोह, तो वो कुछ करते भी थे दंगा भसा तो सामने सामने नहीं पता चलता, थोड़ी दया बात। और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये तो आडवाणी के चेहरे, तो कोई सर्वो है नाम की चीज बाकी ही नहीं रह गई, राजकरण घोल के ये लोग पी गए हैं और उसके आधार पर चलते हैं कि देश को चला रहे। तो भूपेंद्र नारायण मंडल जी ने कहा चाहे किसी पार्टी की सरकार हो आज उनकी जयंती भी है, अगर किसी को यह भ्रम हो गया है कि जब तक वो रहेगा इस संसार का तभी तक उजाला रहेगा और उसके जाने के बाद अंधेरा छा जाएगा तो इस भ्रम में नहीं रहे, इसी तरह की प्रवृत्ति के चलते देश रसातल में जा रहा है। ये लोग कहते हैं 2014 तक पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं था, पर फिर IIT कौन बनाया, एम्स कौन बनाया, मेडिकल कॉलेज और मैनेजमेंट के संस्थान किसने बनाए, आखरा नांगल किसने बनाया, UGC किसने बनाया, योजना आयोग किसने बनाया। अगर नेहरू को गाली देने से कभी फुर्सत मिल जाए तो तुमने जो देश बेचने का काम किया है नजर डालो, इंतजार आप लोगों का। इसलिए हम सब
इसी तरह से इकट्ठे रहें, हम लोग इसी एकता के साथ लड़ते रहें, हम लोग किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आएंगे, अपनी एकता इसी तरह से साबित करते रहेंगे और जो लड़ाई है देश को बचाने की उसमें इसी तरह से लगे रहेंगे, लेकिन बगैर अपने हक की बात को भूले नहीं। हमको जो संचर कमेटी की रिपोर्ट जिसमें मुसलमानों से छोड़ता था उस महाराष्ट्र जंग को भी लड़ना है, वो समानता की लड़ाई को भी लड़ना है और वो तब होगा लागू, वो ठंडे बस्ते से तब निकाला जाएगा जब हमारा संख्या बल इसी तरह से दिखता रहेगा। जब बोरियत में नंबर का बन वहां मात्रा काउंट होता है, देश काउंट होता है, जब इस तरह से इतनी भारी तादाद का विरोध होगा कि सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। लोग कहते हैं कि रूस जो है वो विखंडित हो गए, प्रभात पटनायक एक प्रोफेसर है उसके साथ में करूंगा, उनसे कहा कि भाई जब रूस में ही कम्युनिज्म खत्म हो गया, समाजवाद समाप्त हो गया, तो बाकी जगह उसकी बात करने का क्या मतलब है। तो एक बिहारी ने उनको बताया कि कल को अगर ताजमहल समाप्त हो जाए, कल को ताजमहल ना रहे तो लोग मोहब्बत करना छोड़ देंगे क्या, तो इसलिए सरकार किसी की भी रहे तो लड़ना छोड़ देगा क्या। ये सरकार भी आनी जानी है, हमारी खुददारी जिंदा रहे, मुल्क का स्वाभिमान बचा रहे, इस देश की अखंडता बरकरार रहे, इस देश की एकता जारी रहे, तो फिर हम देश भी बचा लेंगे, हम समाज भी बचा लेंगे, हम अपने काम को भी बचा लेंगे, हमारा भाईचारा भी इंटैक्ट रहेगा। तो इसलिए आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं कि आप लोगों को देखकर हम लोगों को भी करने का यह हौसला मिल जाता है। वीर कतिवीर ने कहा कि हम तो कभी खुदा से कायर न रहे, हम तो कभी खुदा के कायर न रहे, उनको देखा तो खुदा रहे, हम तो आप सब में वो अस्त देखते हैं और जो खुदा के बंदे हैं, हम तो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन इंसानियत का तो अपना एक मजहब है। खुदा के बंदों को देखकर ही मुमकिन हुई है दुनिया, ये मतलब गर्दों के लिए है कि खुदा के बंदों को देखकर ही मुमकिन हुई है दुनिया, ऐसे बंदे हो जिस खुदा के वो कोई अच्छा खुदा नहीं है। इसलिए आरएसएस वाले जिन चीले चपातों को तैयार करते हैं वो कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं है, उससे भी देश को निकालने की जरूरत है। आपने मुझे इतनी गहरी से सुना, आपके लिए मैं सिर्फ इतनी दुआ कर सकता हूं कि हम सब लोग इस लड़ाई को संवेद करने लड़ेंगे तो कोई ताकत हिंदुस्तान को एक इंच भी गिरा गुड़ा नहीं सकती। नजरों में सारे दिन की बाकी नहीं रही, किसके नजर मिलाओ तुझे देखने के बाद, नजरों में काबे दीद भी बाकी नहीं रही, किससे नजर मिलाओ तुझे देखने के बाद, काबे का कलाम की मेरी नजर में है सर किस तरह से। बहुत शुक्रिया, इंसाफ जिंदाबाद, भारत का आईन जिंदाबाद, इस देश का सेक्युलरिज्म जिंदाबाद, फातिमा शेख सावित्री बाई जिंदाबाद, अम्बेडकर मौलाना जिंदाबाद, असरत भानी जिंदाबाद, गांधी नेहरू जिंदाबाद, लालू नारायण जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू खान जिंदाबाद, तमीर हसन जिंदाबाद, आलोक मेहता जिंदाबाद, इस देश की आम आवाम जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।